हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जो आपका सेकंड पेपर है उसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे आंसर की को लेके परेशान हैं, ठीक है। और तो आंसर की को मैच करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे, ठीक है। जो भी मैंने दो क्लासेज ही ली थी, सिर्फ दो क्लासेज और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली भी वही क्वेश्चन और ऑप्शन देखने को मिले थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर की को मैच करते हैं। आई थिंक पेपर आप लोग का बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिन्होंने भी अगर वीडियो देखा होगा तो भाई वो 50 में से 50 क्वेश्चन सही किए होंगे, और जिन्होंने नहीं दिया होगा तो 50 में से 20 या 25 क्वेश्चन ही किए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला, एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ओमिटेड टू बी टेकन इन अ फाइनेंशियल, मतलब हम भूल गए, ठीक है। इन अ टेकन इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन बी टेकन ऑन या बिफोर, ए है फाइलिंग रिटर्न फिलिंग रिटर्न फॉर अ सेप्टेम्बर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर, ए ओ बी विच एवर इज अर्लियर की ए ओ बी विच इज लेटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, पहले का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द क्रेडिट विच इज एवेलेबल ऑफ टैक्सेस पेड ऑन, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इनवर्ड सप्लाई। थर्ड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टू बी एवेल्ड ऑनली इफ पर्सन जो है रजिस्टर्ड है सप्लायर, दे इज अ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस की बोथ हैं बी की नन ऑफ दी। तो यहाँ पर तीसरे का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हैं बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी एवेल्ड अगेंस्ट, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी की कंपोजिशन टैक्स जो पेड बाय द सप्लायर। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे क्वेश्चन कराए, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वही ऑप्शन आए हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी रिवर्स्ड इफ, ए है रिलेवेंट इनवॉइस नॉट पेड विद 80 डेज, द रिलेवेंट गुड्स अगर हम बात करें डिस्ट्रॉयड बाई फायर की, रिलेवेंट गुड्स आर स्टोलन की ऑल ऑफ दी। तो ऐसे केस में इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या किसके बेसिस पे होता है, आधार के बेस पे, पासपोर्ट, पैन की क्रेडिट कार्ड बेस पे, तो पैन के बेस पे होता है। सेवन्थ है, एक्सेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल टू सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, बी है एग्रीकल्चरिस्ट पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज की, डी है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक्सेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इज एवेलेबल टू एग्रीकल्चरिस्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट है, आई जी एस टी इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंट्रा यूटी की ऑल ऑफ दी। तो आई जी एस टी हम कब पेबल करते हैं, ये भी क्वेश्चन कराया गया है, दैट इज व्हेन द सप्लाई इज इंटर स्टेट। नाइन्थ है, पर्सन इज Having multiple business require registration single, each business separately, one registration for one person, he only one registration for one pen. तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, each business separately. Next है क्वेश्चन नंबर टेन है, when the value of the goods या services invoiced earlier requires upward revision, तो debit note issue किया जाएगा, credit note issue किया जाएगा, bill of supply is issued की revised tax invoice is issued. तो टेंथ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, revised tax invoice is issued. क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, when the value of the goods या services which is invoiced earlier queries downward रिवीजन, डेबिट नोट को इशू किया जाएगा, क्रेडिट नोट को, बिल ऑफ सप्लाईज इशूड की रिवाइज टैक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन सेम है क्या, हाँ ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है ना, ओके। यहाँ पर डाउनवर्ड रिवीजन दिया है और यहाँ पर अपवर्ड दिया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, टेंथ वाले में अपवर्ड पूछा है और इसमें पूछा है, तो ऐसे केस में भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशूड। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीएसटी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, 11 डिजिट, 15 डिजिट, 16 डिजिट की 9 डिजिट, सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं तो 15 डिजिट्स होते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है, जिसका टर्नओवर 75 लाख से कम है, और जिसका टर्नओवर जो है 1.2 करोड़ से कम है, या टर्नओवर हमारा यहाँ पर कम है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से क्या है। 14 नंबर है, विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विन विच आउटपुट टैक्सेस लाइबिलिटी, ठीक है। देखिए आपकी बिजनेस फाइनेंस की सेकेंड पेपर की लाइव सेशन चलेगी, तो उस लाइव सेशन में सभी लोग 100 एमसीक्यू या 50-60 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
तो कैन नॉट बी क्लेम अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्सेस लाइबिलिटी, तो IGST, SGST, CGST, तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CGST एंड SGST. 15th है इनपुट टैक्स क्रेडिट एविबिलिटी, ए ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड, बी है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो हम पे करेंगे कि टैक्स टेकन टू मैन्युफैक्चरिंग साइट या एवल्ड सर्विसेज, तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय द सप्लायर टू गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 16 है इन द कॉमन पोर्टल की बात करें, एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड, हम किस में क्रेडिट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की लाइबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 16 का बिल्कुल सही. 17 नंबर क्वेश्चन है डिपॉजिट्स हो गए टूवर्स टैक्स लाइक पेनल्टी इंटरेस्ट फी या कोई अदर अमाउंट क्रेडिटेड इन टू द डैश ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, तो कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा अगर बताएं, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की इलेक्ट्रॉनिक कैश की क्रेडिट रजिस्टर, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. 18 है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आउटपुट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की फीस, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउटपुट टैक्स. 19th है मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ट सप्लाई बाय रिसिपिएंट इज अंडरटेकन विद, जो भी मनी हमने फाइल की है सप्लायर, बी है आउटवर्ड सप्लाई फाइल्ड बाय द सप्लायर, सी है इनवाइजेस मेंशनड बाय द सप्लायर की नन ऑफ द अबव, तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इनवाइजेस विच इज मेंशनड बाय द सप्लायर, सब क्वेश्चन कराया हुआ है. 20 है इफ देयर इज अ मिसमैच ऑफ सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई एंड रिसिपिएंट क्लेम फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेम ट्रांजेक्शन, तो 20 का आंसर ये भी कराया गया है अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डी, इट शैल बी डिक्रीज डिसीज एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर. ठीक है, ट्वेंटी वन है व्हाट डज एन स्टैंड फॉर HSN, ये भी क्वेश्चन कराया गया है, नेटवर्क है, नेशनलाइजेशन है, नॉमिक्लेचर है, HSN का हम फुल फॉर्म बताए थे आपको लाइव सेशन में, अगर इसमें आपने गलत किया, किसी बच्चे ने यहाँ पर ये ऑप्शन टिक किया है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दैट इज सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा. HSN का फुल फॉर्म क्या होता है, एक सेकेंड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर, यही होता है हमने बताया था, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी. 22 है एन ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड ए इरेस्पेक्टिव ऑफ द थ्री जोल्ड लिमिट, क्या एग्रीगेट उसका है अगर लिमिट 20 लाख से, सी है इफ इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एंड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीज द थ्री जोल्ड लिमिट. ठीक है, तो यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर If he is liable to C option, ठीक है. 23 है which of the following is not included, aggregate turnover में यहाँ include नहीं होगा, exempt supplies of goods or services both, export of goods or services or both, कि इंटर स्टेट अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या उसकी बात करें या वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेड अंडर रिवर्स चार्ज, तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड या सर्विसेज या 24 है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लिविड ऑन इम्पोर्ट, CGST, SGST, IGST की बोथ, तो 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, CGST एंड SGST. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता दीजिएगा. 25 है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज हाउ मेनी डिजिट्स, 12 है, 14 है, 15 है कि 17 है, तो कितने होते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें, 17 होते हैं आई थिंक, एक सेकेंड, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज़ ऑफ 17 डिजिट नंबर, ठीक है, 17 डिजिट नंबर का होता है, तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है हाउ मेनी अकाउंट्स आर टू बी ओपन अंडर EFPB इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, 20, 38, 28, तो 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या इशू हो रहा है यहाँ,
how many accounts are to be opened under E electronic focal point branch? तो यहाँ पर आई थिंक 38 होगा. 26 का आंसर दैट इज बी. बी होगा यहाँ पर, 20 नहीं होगा, दैट इज बी. 27 है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज 15 डेज, 20 डेज, 30 की 60 डेज. तो 27 का आंसर हो जाएगा दैट इज 15 डेज, ए ऑप्शन. 28 है द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइजेज अंडर जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स कौन से होते हैं. कॉम्परेटिव मेथड की बात करें, कैलकुलेशन मेथड है, रेजिड्यूअल की, ऑल ऑफ दिस. तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे मेथड. 29 है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को किस पे कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भी इजी क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की यहाँ पर एक्चुअल प्राइस. तो ऑप्शन नंबर 29 का बी. 30 है विच विल वी नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, पैकिंग कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गए. फिर अगर हम बात करें डिजाइन एक्सपेंसेस, अनलोडिंग चार्जेस पेड बाय रिसिपिएंट, तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. 31 है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इज डिलीवर्ड ऑन रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, ऑपरेशन ऑफ सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इज डिलीवर्ड ऑन, हाँ 31 का डी हो जाएगा, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, डी ऑप्शन. 32 है GSTR 8 इज फिल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर की कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. तो 32 का आंसर अगर हम यहाँ पर बात करें दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ठीक है. GSTR 8 इज फिल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, आई थिंक यहाँ पर होगा, एक बार आप देख लेना. 32 का आई थिंक बी ऑप्शन होगा. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ई कॉमर्स होगा. GSTR 8 का ही पूछा है, ई बी होगा यहाँ पर, 32 का भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है हु फाइल्स GSTR 5. ठीक है, हु फाइल्स GSTR 5. ठीक है, तो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कैजुअल टैक्स पेयर की नॉन ऑफ दिस. तो 33 का आंसर जो कैजुअल टैक्स पेयर होगा. ठीक है, चलिए 34 है ई वे बिल वी बी रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज एटलीस्ट 10,000, मोर देन 25,000, मोर देन 550,000, की 25,000 टू 10 लाख. तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नेक्स्ट है 35 है एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन एडवांस इज द टैक्सेबल पर्सन इन्फॉर्म अबाउट द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स. 20 डेज, 30, 15 की 60 डेज. ये भी क्वेश्चन कराया हुआ, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज. 36 है द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इज गुड्स आर नॉट रिटर्न द इनपुट सेंड फॉर अ जॉब वर्क विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई. 3 मंथ्स है, 6 मंथ, 9 मंथ्स की 12 मंथ. तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर. कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर कन्फ्यूजन है, एक बार हम देख लेते हैं इसको. द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच गुड्स आर नॉट रिटर्न द इनपुट सेंट फॉर अ जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. आई थिंक 36 का डी ऑप्शन होगा, 12 मंथ्स.
Next 37, when a person closes the business, he has to file GSTR 8, 9, 10, 11. When a person closes the business, he has to file. चलिए यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा GST R 10, सी ऑप्शन. 38 है अगर हम यहाँ बात करें, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग CA, CMA या बोथ. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट बोथ. थर्टी नाइन है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर जो है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर डैश शैल नॉट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड. तो 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज. 40 नंबर की बात करें, एग्जेप्शन लिमिट फॉर GST रजिस्ट्रेशन कितना होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था. तो ग्रॉस टर्नओवर ऑन सेल्स की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए. 41 है, पेनाल्टी फॉर नॉट फिलिंग GST रिटर्न ऑन टाइम इज कितना है, 200 पर डे, 300 पर डे, 100 की 500. तो 41 का ऑप्शन नंबर 100 रुपीज पर डे. 42 है, मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर नॉट फाइलिंग अ रिटर्न विद द प्रिस्क्राइब टाइम, तो कितना पेनाल्टी लगेगा यहाँ पर, 5000. 43 है, द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल इफ द सप्लाई जो है अगर हमारा यहाँ पर, तो बोथ इंट्रा एंड इंटर स्टेट. सी फोर्टी फोर है, देखिए कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है. इनवॉइस वॉइस डिटेल्स ऑफ सप्लायर्स मेड बाय टैक्सेबल पर्सन आर फिल्ड इन, तो ए GST R 1. GST रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली बोथ ए एंड बी की ए और बी, ठीक है. तो 45 का आंसर हो जाएगा दैट इज सी बोथ. 46 है, when it is a register, even is a registered person required to furnish his annual return. 31st यहाँ पर डे ऑफ मार्च एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा सी दैट इज ऑन बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. 47 है यहाँ पर, what is the validity of the registration certificate, तो उसकी वैलिडिटी जब तक कैंसिल ना हो जाए, भी क्वेश्चन कराया हुआ है. 48 है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ, तो 48 का आंसर डी. देखिए कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, हो सके हमसे भी गलती हो सकती है. 49 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज क्रिएटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो दैट इज 49 का आंसर पेमेंट ऑफ टैक्सेस. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा किए गए इनपुट टैक्स का उपयोग किया जा सकता है, ठीक. 50 है, GST इज पेबल फ्रॉम द सप्लाई, क्या होगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा. तो ये आप लोग के टोटल 50, देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे 3 to 4 क्वेश्चंस, वो उसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं.